भाई लोग, यशराज स्पाई यूनिवर्स से काफी बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल कर सामने आई है। पूरे सोशल मीडिया पर हड़कंप पहुंच गया जब उन्होंने अपनी आने वाली मूवीज के टाइटल अनाउंस किए, जिसमें से वॉर 2 और टाइगर वर्सेस पठान शामिल है। और सबसे बड़ी खबर वॉर 2 से निकल कर आई जब फैंस को पता चला कि ऋतिक के अगेंस्ट साउथ के सुपरस्टार जूनियर NTR को कास्ट किया जाएगा। और ये खबर इतनी ज्यादा क्रेजी है कि इसको इलेबोरेट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इनसाइडर ये भी है कि जूनियर NTR साहब ने इस मूवी में अपीयर होने के लिए 100 करोड़ के आसपास की रकम मांगी है, जो इस मूवी के बजट को ह्यूज बना सकती है। और अगर सब कुछ सही रहा तो हमें वॉर 2 में ऋतिक वर्सेस जूनियर NTR देखने को मिलेगा। और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पठान कितनी बड़ी हिट थी, तो इसके नंबर भी पठान के आसपास आ सकते हैं। एंड मूवी को डायरेक्ट करेंगे आयान मुखर्जी, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र बनाई थी। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि वो वॉर 2 बनाएंगे तो ब्रह्मास्त्र कौन बनाएगा, तो अब मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र को थोड़ा आगे ढकेल दिया गया है ताकि आयान मुखर्जी वॉर 2 पर अच्छे से काम कर सके। तो बेसिकली ऋतिक वर्सेस NTR देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये फैंस को बहुत ज्यादा हिट करेगा और वो 2 एक अच्छे तरीके से सेटअप होते हुए नजर आ रही है। नेक्स्ट अपडेट है टाइगर वर्सेस पठान को लेकर, जो शायद इस यूनिवर्स की इन्फिनिटी वॉर साबित हो सकती है। दोनों बिग स्टार 27 से 28 सालों बाद बराबर की स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे और इसको देखने के लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ। एंड इस मूवी का जो बजट होने वाला है वो 300 से 400 करोड़ के आसपास का रखा गया है, जो बहुत ह्यूज अमाउंट है। एंड ये सारी मूवीज एक दूसरे को इंपैक्ट करेंगी, जैसे टाइगर 3 वॉर 2 को बेस प्रोवाइड करेगी, वॉर 2 पठान के सीक्वल से कनेक्ट होगी, एंड टाइगर वर्सेस पठान इन सबको अलग लेवल पर लेकर जाएंगे। खैर ये सब तो ठीक ही है, लेकिन साथ ही मेरा डर ये भी है कि वो पाकिस्तान वाली बकचोदी दोबारा ना दोहराए। मैं कुछ डिफरेंट और ग्रैंड लेवल का इनके एंड से एक्सपेक्ट करता हूँ और चाहता हूँ कि हमें कुछ ऐसा देखने को मिले। और अगर जूनियर NTR साहब को ये लेके हैं तो उनके पोटेंशियल को अच्छे से यूज करें और वो क्रेजी और बैड एस विलन साबित हो, ऐसी मैं होप करता हूँ इनके एंड से। साथ ही साथ ये भी देखने वाली बात होगी कि अपने स्पाई यूनिवर्स को कितना ग्रैंड एपिक और डिफरेंट लेवल पर लेकर जाते हैं। खैर तुम बताओ कि तुम इन सब के बारे में क्या सोचते हो, और कमेंट्स में अपने ओपिनियन थ्योरी सजेशन जो भी हो सब कमेंट्स में बता देना, मैं जरूर जानना चाहूंगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और उस चैनल पे कहीं से भी नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। जो भी हरा काला नीला पीला बटन जो भी आपको दिख रहा है उसको दबा दो, सपोर्ट कर दो और सब्सक्राइब कर दो। इसके अलावा पर्सनल कनेक्शन बनाना है तो यहाँ मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए रिएक्शन टाइम।